हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द लेजेंड ऑफ हनुमान, जो कि रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 13 एपिसोड, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिसको आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो उसके बाद आपका यही दिल होगा कि बस कंटिन्यू से देखते रहो। और मैंने ऑलमोस्ट इस सीरीज़ को रात भर जाग के देखा है और अभी तक के मन नहीं भरा है मेरा। इसके हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट के। खैर, शो की कहानी शुरू होती है वैसे तो बाल हनुमान से, जो कि नजर आते अपनी माँ के साथ। और बचपन में जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो किस तरह से मस्ती करता है, खेलकूद करता है, तो बिल्कुल इसी अंदाज में हमें बाल हनुमान यहाँ पर नजर आते हैं। तो वही दूसरी तरफ हमें रावण का यंगर वर्जन देखने को मिलता है, जो कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंड का था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वानर सम्राट महाराज सुग्रीव से मिलने गए थे। अब वो किस लिए गए थे वो तो आप लोग इस शो में ही देख लोगे, लेकिन वहाँ पर उससे पहले उनकी मुलाकात होती है हनुमान से। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर सीरीज ही देखनी पड़ेगी। खैर, बात करेंगे शो की, तो यार आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर हमें इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और जिस तरह से उसका स्क्रीन प्ले लिखा है यार, फर्स्ट एपिसोड से लेके जो आप एंगेज हो जाओगे ना इस शो में, 13th एपिसोड तक बस आप जगह से हिलोगे नहीं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि लेजेंड ऑफ हनुमान लिखा है तो सिर्फ यहाँ पर हनुमान पर ही फोकस किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे शो के मेन पात्र तो है, लेकिन जब रावण ने सीता माँ का अपहरण कर लिया था तो इस जर्नी में हनुमान के साथ क्या कुछ हुआ था या उनकी वानर सेना के साथ क्या कुछ हुआ था, प्लस सुग्रीव के भाई वाली के बीच में क्या कुछ होता है, कि हर एक इंसिडेंट को यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर एपिसोड में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उनको इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी ना, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा शो की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है जो जितने भी टॉक्सिक लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैं इतना ही बोलूँगा कि यार आप जय श्री राम बोलते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है और एक जोश भर जाता है। लेकिन उसके आगे जो जो चीज़ें आप लिखते हो या जो जो चीज़ें आप करते हो, कुछ टॉक्सिक लोग जो करते हैं, तो उनको ये शो सबसे पहला देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम के बारे में ऐसी चीज़ें बताई कि उनकी विचारधारा किस तरह से थी, वो अपने शत्रुओं को भी किस तरह से देखते थे। भाई मैं ये शो देखकर है ना बहुत कुछ सीखा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ये शो देखना चाहिए। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जिनको ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए। और शो के ग्राफिक्स बहुत ही शानदार है यार, मतलब आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार ग्राफिक्स ऐसे होंगे, हॉलीवुड लेवल के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से शरद केलकर ने नरेट किया इस पूरे शो को, भाई गूज़बम्स आते हैं। फर्स्ट एपिसोड में जब उनकी वॉइस मैंने सुना ना, तभी मैं समझ गया भाई ये शरद केलकर है। और यार उनकी वॉइस में जो मैजिक है ना, वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाएगा। जिस तरह से इस पूरे शो को एग्जीक्यूट किया भाई, तारीफ करनी पड़ेगी पूरी टीम की, कमाल है यार, एकदम कमाल है। शो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं, यानी कि इसका सीज़न 2 डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा शो का जो BGM है, जो टाइटल ट्रैक है, टाइटल ट्रैक जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने सुना तो मेरे अंदर पता नहीं यार एक अलग ही फीलिंग आई, उसको अभी मैं यहाँ पर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। और वो हर एक एपिसोड में जब मैंने उसका टाइटल सुना ना, मैंने इसको स्किप नहीं किया, वो मैं आपके अंदर एक अलग ही जोश भर देगा। और मतलब आज तो भाई मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, और मैं खुद आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये शो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और जितना भी वॉयलेंस है आपके अंदर या जितनी भी नफरत है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी इस शो को देखने के बाद। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं इस शो को रेटिंग दूंगा। हालांकि भाई इस तरीके के शोज़ को रेटिंग देने की अरहान एंटरटेनमेंट की कुछ भी हैसियत नहीं है, फिर भी 10 out of 10 बिकॉज ऑफ वंडरफुल एग्जीक्यूशन, जिस तरीके से एनिमेशन, जो ग्राफिक्स थे, जिस तरीके से वॉइस डबिंग आर्टिस्ट ने जो वॉइस दी है, जैसे शो को नरेट किया गया, जो जो चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं इस शो को 10 out of 10 देता हूँ। हाँ, बस एक नेगेटिव चीज़ मुझे इस पूरे शो में फील हुई, वो ये है कि जब आप इस शो को देखोगे ना, तो कई कई जगह पर ना आपको ऐसा मुझे महसूस होता है कि जो एनिमेशन है वो उनके जो मूवमेंट है ना, तो वहाँ पर थोड़ा ब्लरीनेस या शेकीनेस नज़र आ रहा था, और ये ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में मैंने फील किया, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। और वेट कर रहा हूँ मैं इसके सीज़न 2 का, जहाँ पर अब मैं रिवील नहीं करूँगा, उसके लिए तो आपको सीज़न 1 देखना पड़ेगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।